वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने फ्राइडे के दिन 131 रुपीज़ पे क्लोजिंग दी थी। हल्की सी तेज़ी देखने को मिली थी बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के अंदर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की बाकी के जो डिटेल्स है, जैसे कि फंडामेंटली नंबर्स के ऊपर नज़र डालेंगे, तो मार्केट कैप जो है 69,000 करोड़ के ऊपर है। मार्केट कैप 70,000 करोड़ तक चली गई है और यहाँ पे करंट प्राइस जो है रुपीज़ 135 की है और यहाँ पे 52 वीक लो 52 वीक हाई भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टॉक का पी रेशियो जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.13 का है। बुक वैल्यू रुपीज़ 178 का है। डिविडेंड डील जो है 2.11% का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा डिविडेंड डील है। ROC 4% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9% का है। फेस वैल्यू रुपीज़ 2 का है। कंपनी के ऊपर टोटल जो देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो देख सकते हैं 8,668 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। EPS जो है 16 रुपीज़ का EPS है। सेल्स की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 75,000 करोड़ के ऊपर सेल्स हो चुके थे। सेल्स का ग्रोथ जो है 3.47% ऑफ है और पिछले 3 सालों से सेल्स ग्रोथ 11% ऑफ है। तो टोटल एसेट जो है 13 लाख करोड़ के ऊपर टोटल एसेट्स है। प्रमोटर होल्डिंग 64% की है और प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर्स कितने प्लेज है देखा जाए तो प्लेज शेयर्स नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। रिटर्न वो 1 ईयर 1 साल में 53% का रिटर्न दिया है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 151% ऑफ है। तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों से देख सकते 93% ऑफ है और डेप्ट टू इक्विटी देख सकते बैंकिंग सेक्टर की वजह से ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो देख सकते 3,127 करोड़ के है। डिविडेंड पे आउट 18.8% का है। EBITDA जो है 22 का है। इन्वेस्टमेंट जो है 3,47,000 करोड़ के ऊपर है। इक्विटी कैपिटल 1,036 करोड़ की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के लिए।